नेपाल के विराटनगर के गोल्डन हॉस्पिटल में पैसे की वजह से फंसे कटिहार के एक मरीज की वापसी हो गई है। दरअसल कटिहार के फलका ब्लॉक के संतोष यादव नाम के शख्स का इलाज 4 महीने से नेपाल में चल रहा था। इलाज के एवज में अस्पताल प्रबंधन कुल 4 लाख रुपए की मांग मरीज के परिजनों से कर रहे थे, लेकिन मरीज के परिवार की माली हालत ऐसी नहीं थी कि वो इतना खर्च उठा पाते। पंजाब केसरी ने भी इस खबर को उठाया। इसके बाद मेयर विजय सिंह ने इस मामले में पहल की। विजय सिंह ने विराटनगर के सांसद शिव कुमार मंडल से मदद की गुहार लगाई। मंडल ने भी अस्पताल से संतोष यादव को राहत देने की गुजारिश की। इस पर अस्पताल प्रशासन ने पैसा माफ कर दिया और संतोष अब अपना इलाज कराकर घर लौटाया है। नहीं पता चला तो हम लोगों ने हमारे जो पूर्व के रिलेटिव हैं और पूर्व मंत्री नेपाल में हैं और विराटनगर के परिजन में भी वहाँ पे एमपी भी शिव कुमार मंडल जी को हम लोगों ने तुरंत टेलीफोन से बात की, संपर्क किया और उन्होंने तुरंत वहाँ पे अपने कर्मी को अपने लोगों को सूचित किया कि मेयर साहब कटिहार से बात करना चाह रहे हैं, जो समस्या उसको निदान कराएंगे तुरंत। और तुरंत वहाँ के लोगों ने तुरंत उसको विश्वास में लेकर करके तुरंत हॉस्पिटल गया और उनकी माँ से भेंट कॉन्टेक्ट किया। माँ के और उनकी बेटी भी वहाँ एडमिट है, उनके उसके जो पेशेंट उनके साथ, तो तुरंत उन्होंने रुकी चूंकि कल शनिवार था, हॉस्पिटल के कोई प्रबंधक वहाँ उपस्थित नहीं थे, तो पुनः आज संडे रविवार को दिन हमारे नेपाल के जितने साथी लोग हैं और हमारे मंत्री साहब जो पूर्व मंत्री और विराटनगर के जो एमपी साहब हैं, उन्होंने मंत्रालय से बात की और तुरंत उसके बाद हॉस्पिटल के प्रबंधक के जो उनसे बात किए और प्रबंधक ने बहुत ही रिस्पॉन्स लिया। उन्होंने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं थी कि हम लोगों ने उनको बंधक बना लिया है, लेकिन उनका कहना था कि पैसे की कुछ कमी है। उन्होंने कहा था कि हम जमीन बेच के पैसा ला रहे हैं और फिर हम पुनः इलाज करवाएंगे। फिर उसके बाद हमारे साथी ने वहाँ काम किया और बहुत से लोगों ने काम किया वहाँ पे, क्योंकि नेपाल हमारे बिहार के बगल में बेटी रोटी का संबंध होता है और मानवता के नाते हम लोग भी चाहते हैं कि लोगों की सेवा करें, तो हम लोगों ने तुरंत उसको रिस्पॉन्स भी लिया और वहाँ पे अभी फिर हम लोगों ने उसकी बात की, जो बकाया पैसा था उन्होंने माफ कर दिया है। घर वापस लौटकर संतोष के परिवार ने अब चैन की सांस ली है। पंजाब केसरी टीवी के लिए कटिहार से रितेश रंजन की रिपोर्ट।